अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स योर साइंस क्लास। ओपन योर साइंस वर्कबुक पेज नंबर 9। चैप्टर नंबर 2 इज़ फूड एंड अ बैलेंस्ड डाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेन पेज, मेंशन डे, मेंशन डेट एंड देन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फिल इन द ब्लैंक्स, फाइंड द ऑड वन आउट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे आपको एक लिस्ट दे दी गई है, आपने इनमें से ये बताना है कि इसमें से कौन सी एक ऐसा फूड आइटम है जो इस लिस्ट में से नहीं है और उसकी रीज़न बतानी है कि वो क्यों नहीं है। आपकी इस लिस्ट में मिल्क, कर्ड, चीज़, जैम, बटर, आपको इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स दे दी गई हैं और इसमें एक ऐसी चीज़ है जो डेयरी प्रोडक्ट से नहीं है। द ऑड वन आउट वन इज़ जैम। जैम आपके पास डेयरी प्रोडक्ट नहीं है, जैम अब ऑड है। ऑड क्यों है? बिकॉज इट इज़ नॉट अ डेयरी प्रोडक्ट, क्योंकि ये डेयरी प्रोडक्ट नहीं है। डेयरी प्रोडक्ट का क्या मतलब है? कि ये दूध से बनने वाली चीज़ नहीं है। सेकेंड है हमारे पास क्यूकम्बर, पीस, कैरेट, लेट्यूक, स्पिनच, ये सब क्या हैं? हमारे पास एक वेजिटेबल्स हैं। लेकिन वेजिटेबल्स तो हैं, लेकिन क्या है कि कैरेट इसमें से ऑड वन है। कैरेट क्यों ऑड वन है? क्योंकि ये एक रूट है। इसका क्या मतलब है कि ये बाकी सब चीज़ें जो हैं ये ज़मीन के ऊपर उगती हैं, लेकिन कैरेट क्या है? कैरेट एक रूट है, कैरेट जो है वो ज़मीन के नीचे उगती है, तो इसलिए ये ऑड वन है। थर्ड इज़ शुगर केन, बनाना, एप्पल, ग्रेप्स, गुआवा। आपके पास ये फ्रूट की लिस्ट दे दी गई है, ऑड वन इसमें से है शुगर केन। शुगर केन क्यों है ऑड? क्योंकि ये एक स्टेम है। फोर्थ है पिस्ताशियो, कैश्यू नट, वॉलनट, ऑनियन, आलमंड। आपके पास ये नट्स की लिस्ट दे दी गई है, ड्राई फ्रूट्स हैं सब। इनमें से एक चीज़ ऑड है, वो है ऑनियन। ऑनियन क्यों है ऑड? क्योंकि ये एक वेजिटेबल है। लास्ट वन इज़ प्रोटीन, मिनरल्स, वुड, फैट, वाइटामिन्स। हमारे पास ये सब जो है वो फूड न्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं। इनमें से वुड जो है वो ऑड वन है। क्यों? क्योंकि ये एक फूड न्यूट्रिएंट नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन इज़ चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। डाइट्री फाइबर्स कैन बी फाउंड इन, डाइट्री फाइबर्स हमें वीट में मिलता है। विच ऑफ दिस फूड इज़ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ब्रेड, जो ब्रेड हम डेली रोटीन में जो रोटी खाते हैं वो एक कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा सोर्स है। द वाइटामिन इज़ मेड बाई द स्किन इन सनलाइट, कि सनलाइट में बैठने से हमें कौन सा वाइटामिन मिलेगा? वाइटामिन डी। फोर्थ इज विच फूड इज़ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड कैल्शियम, के प्रोटीन और कैल्शियम का अच्छा सोर्स कौन सा है? तो फिश से हमें प्रोटीन और साथ में कैल्शियम भी मिलती है। विच ऑफ दिस वी शुड ईट वेरी लिटल ऑफ, कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो हमें बहुत कम अमाउंट में लेनी चाहिए? तो हमें एग, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स तो बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन स्वीट्स यानी कि जो मीठी चीज़ें हैं या मिठाई है या कैंडीज़ वगैरह हैं, तो हमें ये बहुत कम अमाउंट में लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ पुट टू वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट इन टू ईच कॉलम ऑफ द टेबल बिलो, कि आपने इनमें से टू वर्ड्स हर कॉलम में जो है वो पुट करने हैं। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड वाइटामिन्स। एग से हमें प्रोटीन मिलते हैं, का चॉकलेट जो है वो एक सोर्स है फैट्स का या एक डेयरी प्रोडक्ट का। लेकिन अगर अब यहाँ पर हमें टू वर्ड्स के लिए जो है वो लिमिटेड किया गया है, तो इसमें 4.9 ग्राम्स जो है वो प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है, तो इसलिए हम इसको प्रोटीन के कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट है सीरियल्स, कैरेट। कैरेट में वाइटामिन्स हैं, लेकिन 9.6 ग्राम्स इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट हैं, तो इसलिए हम इसको कार्बोहाइड्रेट्स में लिखेंगे। बटर एंड नट्स, फैट्स, लेमन, क्योंकि ये एक सॉल्ट फूड है, तो सॉल्ट चीज़ों में क्या है? वाइटामिन्स प्रेजेंट होते हैं। एंड सनलाइट, सनलाइट से हमें वाइटामिन्स डी मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।